रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं वैसा जो भी होगा अल्टरनेटिव से बढ़िया कर देंगे रिकॉर्डिंग देखो आप आ गए हो ना दो तक पीछे हो जब आए भी तो क्वालिटी क्वेश्चन का फॉर्म जो है हमारा जनरल फॉर्म पे है क्वालिटी क्वेश्चन का जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू ठीक है कोई इशू नहीं है आप लोगों ने रूट्स निकाल लिया था रूट्स से अल्जेब्रा जो भी है वो अलग मेथड से मैंने बताया यहाँ से एक चीज आता है डिस्क्रिमिनेंट सारे लोगों को मालूम होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वालिटी के क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट इंडिकेटेड बाय डी डिस्क्रिमिनेंट को डी नॉट किससे करते हैं डी से डी क्या होता है क्वालिटी के क्वेश्चन का जो जनरल फॉर्म है अगर डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना है तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे डी निकालने के लिए क्या है क्या फॉर्मूला है माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय फोर एस प्लस फोर एस डी का फॉर्मूला है ठीक है सर जिसको नहीं मालूम है वो भी समझ रहे कि जब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो डी होता है डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एस ठीक है डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एस बी मालूम है आपको बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी क्या है कांस्टेंट का ये तो मतलब अंडरस्टूड है इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है तो हमने क्या किया डी निकाल दिया डी कितना निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर एस ठीक है डी तो निकल जाएगा ना अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो डी को आप इजीली जब कैलकुलेट कर दोगे किसी को प्रॉब्लम साइलेंट मोड में बताओ कोई भी डाउट दिमाग में किसी भी तरह का कुछ चल रहा हो कैलकुलेशन आप पूछ लीजिए मुझसे मैं तो बता रहा हूँ डी निकालने में किसी को इश्यू होगा आपको इश्यू होगा क्या बता रहे निकालेंगे आप बताएंगे अभी तो उसमें हमारे लोकल ये बताओ कि इस फॉर्मूला में किसी को इश्यू है फॉर्मूला में डी क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं है डी तो अब जब हम एग्जाम्पल देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे पहले इसमें समझो मैं कहाँ जाने वाला हूँ फोन कर दो ये बात ही नहीं है जिस दिन लंबा क्लास लगता है गायब रहते हैं तो फिजिकली जितना समझ में आएगा ऑनलाइन फिर मुश्किल हो जाता है चलिए ये आप यहाँ तक आपने नोट कर लिया सारे लोगों ने नोट कर लिया इस चीज को आइए बैठी 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 स्टार्ट करो इसको नोट कर लीजिए यहां तक नोट कीजिए इसको बंद कर दो बुक को बंद कर दो बुक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो बुक से मतलब नहीं बुक को बंद करो तब समझ में आएगा बुक मत खोलो बुक जब हम जरूरत पड़ेगी हम खुलवा देंगे यहां तक आप लोगों का हो गया पीछे वाले अभी जो आ रहे इसको नोट कीजिए
बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में आपका जो कंडीशन है उसको अभी आज हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोगों के दिमाग से बात निकल रही होगी, मुझे मालूम है इस चीज को। शायद जिन लोगों का मतलब ये क्या कहते हैं, अगर जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा या फिर बनाया होगा, जिन लोगों ने इस पर स्टडी की होगी उनको तो मालूम होगा, और जिन लोगों के दिमाग से ये बात निकल गई होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है, ठीक है बाबू। चलिए हमने बोला कि जो डी का वैल्यू है डी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, डी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हमारे पास क्या क्या कंडीशन मिलेगा। केस वन, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट और डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखिए ये क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल एकदम, मतलब बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर दिमाग से निकल जाती है बात तो ये क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए छूटने नहीं देना है। हर टॉपिक में जितने भी चीज है उसको लगभग कवर कर लेना है, जो डिलीट वाले हुए हैं उसको छोड़ कर, अभी जो डिलीट है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसने डिलीट किया है सीबीएसई बोर्ड वाले ने, जिसको उसको हम लोग छोड़ देंगे। और डिस्टिंक्ट रियल रूट, अभी डी का वैल्यू मैंने बताया, डी क्या होता है, डी एस बार माइनस फोर एस, यहाँ पर हम शायद नहीं किस चीज को लिख लेते, डी एस बार माइनस फोर एस। तो अगर हमारे मुझे सवाल करता है, हमारे क्वेश्चन में ये आता है कि फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि हम लोग पहले फर्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डी, क्या कैलकुलेट करेंगे डी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे डी निकालेंगे, कैलकुलेट डी, कैलकुलेट डी, सबसे पहले हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। अगर इफ, अब देखिए कंडीशन आ जाता है, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए डी निकालेंगे, और डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट डिस्टिंक्ट हो जाएगा, यानी डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएगा। ये कंडीशन है केस टू, फॉर आइडेंटिकल रियल रूट, आइडेंटिकल रियल रूट, ठीक है, फॉर आइडेंटिकल रियल रूट। अब यहां पर पहले हम फर्स्ट केस में देखा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालते हैं, अब पूछेगा आइडेंटिकल रियल रूट्स, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल एक ही तरह का है ना, रूट्स होगा लेकिन सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा, उसके लिए क्या कंडीशन आ जाएगा, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, डी निकालेंगे उसको जीरो के बराबर हो जाएगा, डीजिकल टू जीरो तो आइडेंटिकल रूट हो जाएगा, क्लियर। केस थ्री, केस थ्री क्या हमारा, फॉर नो रियल रूट, फॉर नो रियल रूट, नो यस डी का, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट ही मैंने जवाब तो नहीं आते, मैंने बताया था कि डी डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप लोगों ने पहले भी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डी डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी को क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, डी जो होता है हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, डी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस फोर ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी जो है क्या है कॉन्स्टेंट है, इसी को डी बोलते हैं। तो अगर फॉर नो रियल रूट्स तीसरा कंडीशन क्या है, इफ डी लेस देन जीरो,
ठीक है, इसके इसी पेज थर्ड पे पिछले ईयर में सीबीएसई में एक सवाल आया फॉर मोर लोन लोअर ईयर, ठीक है, इसको आपने नोट किया। अब हम लोग आते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। Find the nature of rules. Find the nature of rules. Find the nature of rules of the following quadratic equation. Following quadratic equation. Find the nature of rules of the following quadratic equation. First number है 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. और दूसरा नंबर है 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Find the nature of roots निकालना है। Nature of roots means वही चीज हो गया। Roots का नेचर क्या होगा? Identify कर। हाँ? Identify या identify की। और फिर ये अभी मैंने तीन केस बताया है। केस वन, केस टू, केस थ्री। यही ये जो तीन केस है वो नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करता है। आप और भी केस लगाइए आपके पास सारा चीज पहले फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, फिर सेकंड को सॉल्व कीजिए, Thank you.
सबसे पहली बात है आप खुद ही लिखते हो, आप खुद ही करते हो, इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी एकदम सीधा लिखा जाए। आप लोग इसको देख लीजिएगा आप लोगों का कितना आंसर वेरीफाई कर रहा है। फर्स्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है ना। फर्स्ट में क्या है, नहीं फर्स्ट में आप लोग का क्या है सॉल्यूशन में माइनस 31। हां फर्स्ट में क्या आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, एक मिनट आप लोग आंसर को हम वेरीफाई करेंगे। आप लोगों का क्या आया फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर क्या है आप लोगों ने बताया, डिस्टिंक्ट रियल नहीं सर, सो नो रियल लुक आया फर्स्ट में, नो रियल यस सर नो रियल, ओके फर्स्ट में नो रियल ठीक है। सेकंड में क्या आया सर, रियल डिस्टिंक्ट रूप डिस्टिंक्ट रूप, ओके डिस्टिंक्ट रूप थर्ड में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल चलिए यही है ना। आप लोगों का, आप लोगों का आंसर ये आया नेचर ऑफ रूट से आया है, जिन लोगों का आया उनका ठीक है, जिनको नहीं आया वो भी देख लेंगे, जिनका आया हम देखते हैं वेरीफाई करते हैं ना आप लोगों का सही है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें एक का वैल्यू क्या है सर, एक का वैल्यू है एक कितना है टू है। बी कितना है माइनस थ्री राइट, और सी क्या है हमारे पास फाइव। सबसे पहले हमारा काम क्या है, बी निकालना, हमारा पहला जो काम है वो बी निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ देखते हैं बी कितना है माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस है माइनस देंगे, फोर है तो फोर लिखेंगे, ए का वैल्यू है ए का वैल्यू टू देंगे, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना आया फाइव आया। चलिए ये हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी नाइन हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, नाइन माइनस 40 कितना आ गया बाबू 31, माइनस 31 आ गया यानी माइनस 31 आ गया, मतलब डी लेस देन 0 हो गया, नो रियल, तो लेस देन 0 मतलब नो रियल, नो रियल गुड सही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी जो है वो लेस देन 0 है तो नो रियल रूट बन गया है, क्वेश्चन बन गया हमारा। सेकंड पे आ जाइए आप लोग, क्लियर चलिए सेकंड पे आ जाइए, फर्स्ट क्लियर हो गया फर्स्ट को हटा दीजिए यहाँ से, सेकंड पे आइए, सेकंड क्या हमारा है, सेकंड है 2x² - 6x + 3 is equal to 0, यहाँ भी निकाल सकते हैं हम लोग, ए हमारे पास कितना है 2 है, बी हमारे पास कितना है -6 और सी हमारे पास 3। चलिए हम लोग काम जो है कर लेते हैं, पहले बी निकाल देते हैं, बी हमारा क्या है b² - 4ac, बी हमारे पास कितना है -6x² - 4 इंटू ए है 2 इंटू 3, तो माइनस का स्क्वायर हो गया 36 हो गया, माइनस का प्लस और माइनस 24 कितना आया 12 आया ना यस सर, यानी कि 12 डी क्या है जीरो से क्या हो गया बड़ा हो गया, चलिए यानी कि डी हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 0,
बी ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो मतलब मिसिंग थ्री, क्या होगा मिसिंग थ्री आंसर यहां पे आंसर आ रहा हमारा मिसिंग रूट्स हमारे पास थर्ड नंबर, चलिए इसको थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कितना है थ्री है, थ्री कितना है माइनस फोर रूट थ्री नहीं है ना, और सी कितना है बाबू फोर, सी कितना है फोर, निकालते हैं यहाँ से बी निकालते हैं, बी हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए, बी हमारे पास कितना है माइनस फोर रूट थ्री, बी की जगह पर लिखेंगे माइनस फोर रूट थ्री का फोर स्क्वायर, ठीक है माइनस फोर इंटू ए की जगह पर थ्री लिखेंगे और सी की जगह पर फोर लिखेंगे, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, चलिए प्लस खत्म हो गया, फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, वही तो है यही मेन फॉर्म माइनस कितना हो गया 48 यानी हमारा तीनों केस कवर हो गया इसी इक्वेशन में, ठीक है इस एग्जांपल हम लोगों ने कवर कर लिया इसी एग्जांपल में, यानी इस एग्जांपल में हमारा की नेचर ऑफ रूट जो हो गया क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू है यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई सवाल नहीं है तो बस आगे बढ़ेंगे हम, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बी जो आ गया क्या आ गया जीरो हो गया आइडेंटिकल रियल आइडेंटिकल रियल, तो आप लोग क्लियर हो गया, आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन बनाना है, कुछ भी नहीं बचा उसमें उसमें कुछ भी नहीं बचा, वो डाउट है पूछिए, टाइम नहीं हम पूरा पढ़ा सकते हैं quadratic so that they have two equal फर्स्ट केस में निकालना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जीरो, दूसरा क्वेश्चन है आपका के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स जीरो, सवाल को समझिए बताइए कि क्या क्या है, पहले नोट कर लीजिए, पहले सवाल को नोट कर लीजिए, दो मिनट तक सोचिए सवाल को, पहले नोट कर लीजिए इसको, दो मिनट तक सोचिए कि क्या क्या रहा है निकालना, क्या निकालना तो k का वैल्यू ही है, ये तो ऑलरेडी पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तो निकालना ही है, लेकिन कंडीशन भी दे दिया दोनों केस निकालना, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चला, ये अलग क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन में भी k निकालना है
और इसमें भी के निकालना है, यानी कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ट्रांजिशन तो आपको मालूम है, इसे दे दिया है, दोनों का क्या है? इसमें मीडियन टर्म स्प्लिट करके निकालना है। इसमें मीडियन टर्म स्प्लिट इसमें है क्या और करना क्या है वो आपको बताइए, मुझे बनाइए, बनाने के लिए दिया बनाइए। अपना अपना दिमाग लगाओ, इंडिविजुअल माइंड लगाओ, अपना दिमाग से सोचो, मतलब थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग पे बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तुम्हारे पास सारा केस मालूम है, तीन केस में से कोई एक केस को अप्लाई होगा ही होगा, है ना? तीन कंडीशन बताया है हमने, तीन कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन लगाओ, इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा वो क्वेश्चन ही बता रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन में तो आंसर छुपा हुआ है। ज्यादा वो टाइम नहीं ले, टाइम नहीं लेना ज्यादा, क्योंकि टाइम फैक्टर को भी आपको समझना पड़ेगा, टाइम फैक्टर भी है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए एक घंटा टाइम लेकर बना रहे हैं आराम से, मतलब थोड़ी है, आप लोगों को टाइम को भी दिमाग में रखकर काम करना है ना। सॉल्यूशन भी हो, टाइम भी सही टाइम पे, मतलब हम लोग को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक घंटा लगा रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं पहले, फिर सेकंड का 20 आया, सेकंड का के का वैल्यू 20 आया, और फर्स्ट का कितना आया? पहले सेकंड बन गया, फर्स्ट नहीं बना सर, रूट 24 आया, ये रूट 24 फर्स्ट का आया कितना? 24 रूट 24 रूट 24 यस रूट 24 आया ना फर्स्ट, यस सर यहां पर रूट 24 को जरा आप लोगों ने हटाया नहीं क्या, उसको थोड़ा मिनिमाइज नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, हो सकता है कुछ तो, कुछ तो पॉसिबिलिटी है, देखिए जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको कीजिए ना, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देना, उसको कीजिए ना, सिक्स रूट, सिक्स रूट, सिक्स रूट, कल मैंने एक चीज बताया था, कल नहीं लगता कि डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि जब स्क्वायर को हटाते हैं प्लस माइनस 2√6, भूलो मत यार, मेरी चीज जो है सिर्फ डिस्टेंस, और इसके कुछ केस में हम लोग जब देखेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग उस चीज को नहीं भूलेंगे, जो मैंने बता दिया है वो मतलब झूठा नहीं हो सकता है, पर ये समझ लो
इसलिए कभी छोड़ोगे मत इस चीज को, है ना। वाह, सेकंड आंसर कितना आया? फर्स्ट आंसर तो सारे लोगों का मतलब बन गया, सारे लोगों का वही आया ना आंसर, प्लस माइनस टू रूट सिक्स ना, इनका नहीं आया बताया क्या वो भी है ठीक है। आप लोग मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए हमारा कितना है बाबू? 2 है। बी कितना है? ए है भाई। और सी कितना है? हम लोग यहां से बी निकालते हैं। बी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ए नहीं होगा ना। बी कितना है हमारे पास? देखो बी कितना है? ये है ये स्क्वायर होने का माइनस 4 है। ए लिखेगा मजबूत सी लिखेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20। सही है ना। बी कितना निकला हमारे पास? बी आ गया ए स्क्वायर माइनस 20। अब वो सवाल कह रहा था, सवाल ही में है जवाब का, क्वेश्चन बोल रहा था कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स मींस आइडेंटिकल रूट्स। इक्वल मींस आइडेंटिकल रूट्स। आइडेंटिकल रूट्स के लिए दे क्या होता है? इक्वल रूट ही होता है। क्वेश्चन बोल रहा था कि सिंस देयर आर टू लेयर रूट्स, टू इक्वल रूट्स इक्वल और आइडेंटिकल वर्ड सेम है। मैंने पहले ही बताया था आइडेंटिकल के लिए क्या होता है? ठीक बोला ना क्वेश्चन बोला था ना कि टू रियल रूट्स है, यानी कि टू आइडेंटिकल रूट्स की बात कर रहा है। तो आइडेंटिकल रूट्स में क्या होता है? डी क्या होता है? डी हो जाता है जीरो के बराबर होता है। तो जब डी जीरो के बराबर होगा तो डी हमारा वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ से, तो डी के डी की जगह पर हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर 24 रूट्स सब लेके जाएंगे तो ये माइनस रूट्स कब जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें सिर्फ पे निकालेंगे तो 24 पे रूट आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस कर जाएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हम लोग 24 को अगर इसको करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 26। तो 4 का अलग आ जाएगा बाहर कितना होगा? 2 आंसर हो गया। सवाल को समझना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम आप लोग को सिमिलरिटी दे देगा एकदम। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि टू इक्वल रूट्स। अरे इक्वल क्या है? इक्वल मतलब आइडेंटिकल हो गया। हम तो आइडेंटिकल बताया ही है, आइडेंटिकल का हो कहीं कहीं पे टू सिमिलर बोल देगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज होगा, सेम ही हो जाएगा। तो मीनिंग को पकड़िए ना। इंग्लिश में तो हर तरह का मतलब वर्ड आता है जिसका सिनोनिम मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम उसको क्यों उसमें क्यों जानेंगे? जो जानता है जो वो ऑलरेडी उसको ये मतलब ये कर देगा, उसमें अप्लाई करेगा। नहीं रहेगा तो भी तो हमने तीन तीन चीज किया ना। अभी पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया तीन कंडीशन को सॉल्व कर ही लिया। इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होगा? इक्वल नहीं रहेगा तो या तो फिर वो रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स होगा या फिर क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स होगा। यही तीन कंडीशन ही तो है, और क्या रहेगा? इसी तीन कंडीशन से सवाल रहेगा, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड का सवाल है क्या लोगों का आंसर आया? ये जीरो, राइट? चलिए हम भी देखते हैं सेकंड ये जीरो कैसे आते हैं। ये एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जितना टफ क्वेश्चन है हम उसी को सॉल्व करते हैं। वो बच्चा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना वो तो महत्वपूर्ण का काम है। जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में रिजेक्ट कर सकता है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ बताओ ए एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स। चलो इसको इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं तो सॉल्व करो ये एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है इससे राइट माइनस है यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस टू को किससे करेंगे टू के एक्स टू के एक्स ठीक है प्लस अब जरा हम लोग अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म को देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यहां a कितना हो रहा है k ये है ना a कितना है k b कितना है बाबू यहां b b यहां b बताओ जल्दी बताओ b क्विक क्विक b माइनस यस राइट माइनस टू और सी कितना है तो मैं बी निकालते हैं जितने क्या होता है बी होता है हमारे पास बी एस वाई माइनस फोर एस यानी बी हो गया हमारे पास माइनस टू के फोर एस पर माइनस फोर ए हो गया के सी हो गया सिक्स तो हमारे पास कितना आ माइनस के स्क्वायर में प्लस फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर ठीक है यही आया ना डीटा वैल्यू फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं रियल रूट इसमें भी रियल रूट उसमें बोल ही ना इक्वल रूट फॉर टू इक्वल रूट टू इक्वल रूट क्या होता है जीरो हो गया हमारे पास फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के टू जीरो चल यहाँ से फोर के कॉमन ले लेते हैं फोर के क्या होता है कॉमन आ जाएगा कैसे नहीं बचेगा ये के बचेगा यहाँ से और माइनस यहाँ से बचेगा सिक्स देखो तो यही बचेगा ना सिक्स आइडर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा ये तो जानते हैं ये अगर मैं अगर x इंटू वाई अगर हमारे पास जीरो है तो आइडर x जीरो होगा और y जीरो होगा तो हम यहाँ ख्याल बनाने की हमारे पास क्या आ जाएगा आइडर फोर के इक्वल टू जीरो हो जाएगा यानी k इक्वल टू हो जाएगा जीरो और k माइनस सिक्स हो जाएगा जीरो तो इसलिए k इक्वल टू क्या होगा सिक्स तो आंसर क्या होगा सिक्स हो जाएगा k जीरो क्यों नहीं हो सकता जीरो नहीं है सर जीरो नहीं होगा इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर k का वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा ठीक पूरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा जीरो 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 आ जाएगा सिक्स आएगा सिक्स बचेगा ना सिक्स जीरो के बराबर हो सकता है सिक्स जीरो के बराबर हो सकता है नहीं ना इसलिए k का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं कह सकते इसको हम लोग चेक कर लेंगे ना इसलिए हमारा k का वैल्यू सिक्स आ गया देखो ना अगर k यहाँ से जीरो लगेगा तो ये पूरा टर्म को इस पूरा टर्म को कितना बता देगा जीरो जीरो बना देगा तो जीरो में सिक्स जोड़ेंगे तो सिक्स होगा सिक्स बराबर जीरो कभी ऐसा ऐसा सुना है वो नहीं सिक्स बराबर जीरो नहीं है तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ठीक है अब आते हैं हम लोग सर्किल ठीक है सर्किल में पढ़े हैं हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग ये कंप्लीटिंग इस बार क्या है दोनों साइड में बोल रहा है दोनों साइड में बोल रहा है वो एक इस बार कंप्लीट एक मिनट का काम उसको कर देता है सर्किल पता नहीं चलो हमको लगता है कि कंप्यूटिंग के स्पार से बहुत क्वेश्चन रहता भी नहीं है
नहीं रहता है मुझे तो ऐसा मुझे सर आई एम प्लेन सर इंटरनल मेडिकल का माइनस एस वाई इक्वेशन को सॉल्व करने का सर वो अगर रहेगा सर वो अगर रहेगा सर उससे जाने को क्वेश्चन नहीं करता कर देते हैं उसको अभी कर देते हैं आज ही लास्ट में कर देते हैं ठीक है आज ही क्लास में कर देते हैं चलिए सर्किल पढ़िए सर्किल में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है सरफेस एरिया भी आप पढ़ेंगे हाँ सर्किल पढ़िए सर्किल में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है सर्किल के बारे में किसको कितना कितना मालूम है कितना नॉलेज है लोगों को सर्किल के बारे में सर्किट के बारे में सबको मालूम है सर्किट जो बोल बोल जो मतलब जो बोल शेप है वो सर्किट हो गया बस यही मालूम होगा सर्किट जो बोल डिफिनेशन देते रहो ना वो तो थ्री इडियट वाला डिफिनेशन हमको नहीं चाहिए है ना थ्री इडियट देखे है ना तुम उसमें वो डिफिनेशन देता है ना थोड़ा लंबा 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 वो डिफिनेशन से हमको मतलब नहीं है उन लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा सोल्यूशन हो यहाँ पे आती क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है तुमको इतना एक्सप्लेनेशन करने से बोलो सर्किट तो सारा जो जानते हैं कि ये सर्किट होता है ठीक है इसमें एक सेंटर भी होता है वो भी जानते हो ना सर्किट में एक सेंटर भी होता है ना जब सेंटर होगा तो उसका एक रेडियस भी होगा जब रेडियस होगा तो डायल भी होगा तो डायल और रेडियस में फर्क यह होगा कि रेडियस आधा होगा डायल जनरल सी समझाइए इसमें ठीक है अच्छा चलिए इतना भी मतलब ये तो जनरल थोड़ा हम लोग इन्हांस करते हैं अपने नॉलेज को ठीक है ये तो जनरल हो गया कि एक सर्किल होता है सर्किल में एक सेंटर होता है इसका एक रेडियस होता है इसका एक डायरा होता है सब लोग जानते हैं इतना तो बच्चे भी जानते हैं अब हम थोड़ा इसको बोला आगे चलते हैं इससे आगे जो हमारे क्वेश्चन को कवर करें ठीक है हमारे जो अभी आने वाले क्वेश्चन को कवर करें इसमें करते हैं देखिए मान लेते हैं इसी में इसमें देखा एक लाइन है PQ ये इस सर्किल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है दो पॉइंट पे सपोज कि ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट कट कर दे रहा है क्या कर दे रहा है दो पॉइंट पे कट कर दे रहा है ये पीक्यू इसका क्या कर रहा है पता यस सर क्या बताइए ये पीक्यू पीक्यू क्या होगा बोलिए मैंने देखा कि ये पीक्यू जो है इस सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है दो पॉइंट पे कट कर रहा है टच नहीं कर रहा है कट कर रहा है दो पॉइंट पे तो पीक्यू क्या कहलाता है सेकंड पीक्यू क्या हो गया यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आप लोग समझ ही सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस नोट लीजिएगा सीक्वेंस ठीक है ये हो गया आपका अगर ये मान लेते हैं इसको वो है इसको हम लोग मान लेते हैं इसको मान लेते हैं आर चलिए अब एक चीज और आता है अब क्या करते हैं हम लोग ये सेकंड का समझ में आ गया सेकंड सेकंड आया ना ये जो कट करता है दो पॉइंट को क्या बोलते हैं सेकंड अब हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं उसको
इसको नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो अभी अच्छे से सवाल आ रहा है बात। अब ये दूसरा सर्कल यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करो। कोई बाहर से हम लाइन नहीं ला रहे, अब क्या कर रहे हैं, अंदर अंदर ले जा रहे हैं, सर्किल के अंदर से ले, सर्किल के अंदर अंदर एक लाइन खींच दिया। तो इस पॉइंट पर टच कर रहा है इसको, ये पॉइंट पर इसको यहाँ पे कितना बी पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, अंदर अंदर, बाहर से कोई लाइन नहीं ला रहा, बाहर से कोई भी लाइन हमने नहीं खींचा, हमने अंदर अंदर एक लाइन खींच दिया। ये सर्किल का क्या कहलाता है, गॉड गॉड गॉड, इसको बोलते हैं हम लोग गॉड ऑफ द सर्किल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लियर है ना, नोट करते जाइए कैसे कैसे चल रहा है, देख लिया, यानी कि गॉड और सेकंड में क्या फर्क है, सेकंड बाहर से सर्वो कट करके बाहर चला, यस सेकंड जो है किसी भी सर्किल के सर्किल तो दो पॉइंट पे कट करता है एक्सटर्नली, मतलब कोई लाइन है जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करता है, लेकिन जो कोड है वो इंटरनली मतलब जो है टच करता है दो पॉइंट, कट नहीं करता, क्या करता है, टच कर रहा है ना, देखो ये को टच कर रहा है, कट नहीं करता, कट नहीं करता, कट करेगा तो फिर सेकंड हो जाएगा, जहां कट कर दिया, जहां इसको बाहर बढ़ा दिया, देखो जहां इसको हम बाहर बढ़ा, यहाँ देखो यहाँ इधर से बाहर बढ़ा दिए, देखो ऐसे तो सेकंड हो जाएगा हमको, मतलब सिर्फ हमको दिखाना है कि ये टच कर रहा है, यानी कोड कोड जो है इंटरनली दो पॉइंट पे टच करता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, समझना है कोड और सिंपल, ठीक है। अब यहां पे काम करते हैं, एक काम और करते हैं, किसी एक पॉइंट से कोई पॉइंट यहां ले लेते हैं, सपोज इस पॉइंट से इसको टच करते हुए लाइन खींच देते हैं, ये सपोज ये पी है और ये टी है, यहां पर टच कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, टच करते हुए चला गया, इसके आउटर सरफेस को टच करते हुए चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, नहीं है ना, अच्छा देखो तो ये जैसा इसको देखो टेंजेंट या कॉट टेंजेंट हम बनाते हैं, ये ऐसा टेंजेंट चला गया किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये क्या पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पी है, पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से इसको हम लोग टच करते हुए एक टाइम खींचा वो टाइमिंग हो गया। अब अगर हम लोग इसी पर से पॉइंट ले रहे हैं, सपोज कि सर्किल पे एक पॉइंट हो, यही पे ये पी को हम यहाँ पे डाल दें और यहाँ से अगर खींच दें तो पी टी टेंजेंट होगा, होगा या नहीं होगा, हमने पी को क्या किया, इस पी को हम लोग इस पर इसी पे ले आए, इसी के सरफेस पे ले आए और पीटी टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा पीटी भी टेंजेंट होगा, यही कहा जाएगा, अभी क्या क्वेश्चन हो गया, अब कुछ रहा सर, एक सर्कल पे इनफिनाइट टेंजेंट बन सकता है, एक सर्कल पे इनफिनाइट टेंजेंट बन सकता है, बहुत सारे टेंजेंट होगा, कहीं से भी टेंजेंट खींच लो, कहीं से भी खींच लो, ऐसा थोड़ी है, ये तो जस्ट एग्जांपल दिखा रहे ना, तुम यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सिर्फ कंडीशन यह है कि टच करना चाहिए, जहाँ कट कर देगा वो सीक्रेट हो जाएगा और इंटरनली अगर जाएगा वो कोण हो जाएगा, रेडियस आप लोग को मालूम है, सेंटर मालूम है, डायमीटर मालूम है, इतनी प्रॉपर्टी आप लोगों की सफिशियंट है सर्किल के लिए, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग,
इस पे कुछ को पढ़ ही सकते हैं, पहले इसको नोट कर लो, इस पे कुछ को पढ़ ही सकते हैं। पढ़ा है कुछ क्लियर करें, ठीक है। एक टेंजेंट है PQ, टेंजेंट क्या है PQ है, वो इधर सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से जो की पॉइंट में मिला रहा वो क्या है रेडियस है। हां सर, ये क्या रेडियस है? यस सर, रेडियस है ना, ये मोती हमारा क्या हो गया, मोती हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये PQ क्या हो गया हमारा tangent of the circle, tangent of the circle। देखो तो दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज हमको मिल रही है, रेडियस ऑफ द सर्किल और टेंजेंट ऑफ द सर्किल के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, है ना। क्या होता है दोनों दूसरे में, यानी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस ऑफ द सर्किल के क्या होता है ठीक है, यानी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस ऑफ द सर्किल के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ए एंगल जो हो जाता है हमारा कितना हो जाता है 90 डिग्री होता है। तो जानते हैं ना कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन या कोई भी लाइन जो है मिलती है परपेंडिकुलरली तो ये एंगल कितना बनाती है 90 डिग्री। तो अभी हम बोल रहे हैं कि कोई भी टेंजेंट होगा, यानी कि टेंजेंट जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो टेंजेंट जो है ऑफ द सर्किल, tangent of any circle is perpendicular, ये perpendicular का साइन है, perpendicular to the radius of the circle, radius of the circle, इसको नोट कर लें, ये perpendicular होता है, tangent of the circle is perpendicular to the radius of the circle। अगर ये टेंजेंट सपोज किया टेंजेंट था हमारा एक दूसरा टेंजेंट इस पे खींचा हमने यहां से क्योंकि किया ठीक है, एक टेंजेंट और इधर आ गया ओके, एक टेंजेंट इस पे मैंने ये था, एक टेंजेंट और हमने खींचा, दोनों टेंजेंट में क्या रिलेशन होगा आपस में इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी इक्वल होगी। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं इस पे एस पे कट करते जा रहा है तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि टेंजेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू हो जाएगा हमारा, पी क्यू भी कट हो जाएगा पी एस भी, ये एस है ये दूसरी प्रॉपर्टी निकल हो जाएगी। सारा चीज पहले हम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम इनका को पटक देंगे दम लगा बनेगा कैसे, जितना वर्स्ट से वर्स्ट निम्री को जाएगा इस रिसाइकिल को बनाएंगे हम, है ना।
क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है
सही फिगर ड्रॉ करो सर, 13 का फिगर है, कितना आया 13, इसका वैल्यू 13 है, यस सर 39 की बात, यू का लेंथ सॉरी यू का लेंथ 39 आया, यस सर। क्वेश्चन बोल रहा था, देखो क्वेश्चन बोल रहा था, कठिन आया, यस सर कठिन, सही से देखो, कठिन सही आया सर, सारे कठिन आया, ठीक है, गलत है, कठिन गलत है, कठिन आंसर गलत है, इसलिए देखिए कि कहाँ पे आपको ने गलती किया है। देखिए क्या बोल रहा था, लेट होगा टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्किल, सर्किल पे पी है, पी कहाँ पे है, सर्किल पे, ये सर्किल पे पॉइंट पी है, ये टेंजेंट बोल रहा है, पी क्यू टेंजेंट पी है, ये बोल रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर दिया हुआ तुम्हारा, ये सेंटर वो है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर क्या बोल रहा है, मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर और टू क्यू, वो से क्यू को एक लाइन मिला रहा है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दिमाग लगाओ ना, अपना इंडिविजुअल दिमाग लगाओ कि पूछ क्या रहा है, तुम लोग ऐसे ही पाठा बोला सेरम, पाठा बोला सेरम लगता, पाठा बोला सेरम पर सुना पड़ा ही होगी, अरे पाठा बोला सेरम लगेगा लेकिन कहाँ पे किस चीज से लगेगा, कैसे लगेगा, हर चीज को एक चीज से, तुम लोग क्या किया गलती, दोनों को जोड़ दिए, हाँ दोनों का स्क्वायर रूट जोड़ा है तभी तो 13 आ रहा है तुमको, क्या अरे इसका स्क्वायर रूट किया होगा तो 144 आया होगा, इसका किया होगा 24 125 जोड़ कर 169 आया होगा, 169 का रूट तुमको कर दिया होगा, तो माइनस करोगे तो फिर 30 कैसे आ गया था, अरे क्या बोले पापा, ये तो ब्लंडर मतलब कर रहे हो तुम, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम कितने लोग जानते हैं, आप नहीं उठ रहा क्या, क्या प्रॉब्लम है पाइथागोरस थ्योरम में, क्या प्रॉब्लम है पाइथागोरस थ्योरम में, कितना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, इधर देखो इधर देखो सर, ये क्वेश्चन तो बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बताओ, पाइथागोरस थ्योरम बताओ, अगर ये है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक होता है, ये बी है, ये बी है, पाइथागोरस का नाम बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और अगर अगर मान लीजिए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो, अगर बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर नहीं निकालना, आपको बी निकाल बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा,